occasion of National Mango Day. A very warm welcome to Prakash sir, Vini ma'am, my colleagues and all my lovely kids. आपको पता है आज हम यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं? आज का दिन यानी 22 जुलाई नेशनल मैंगो डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है और जैसा कि आप सब जानते हैं हमारे फलों का राजा कौन है? विश फ्रूट इज द आया विश फ्रूट इज नोन एज किंग ऑफ फ्रूट यस मैंगो हिंदी में आम और गुजराती में कैरी हमारे भारत में हर जगह उगाया जाता है और इसके बहुत सारे फायदे हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि हाँ क्या आप जानना चाहते हैं कि ये फ्रूट हमारा राष्ट्रीय फ्रूट क्यों है? Why it is called national fruit? Okay, so now I will leave and the rest will be continued by our host Ruthi ma'am and Farhad ma'am. कहाँ से आई हूँ? अरे मुझे पता है कौन है तो राजापुरी कह रही है। हाँ मुझे भी पता है तो तोतापुरी कह रही है। तोतापुरी मुझे देख मैं कितनी पतली सी स्लिम कह रही हूँ और तू इतनी मोटी कह रही। तो क्या हुआ मैं बड़ी हूँ सब मैंगो में सबसे बड़ी और मुझे कच्ची बना के अचार बना के खाते हैं और जब मैं पक जाते हूँ तो उसका आमरस बनाते हैं और पूरी के साथ मजा भी लेते हैं। इसका नाम क्या है पता है? राजा पूरी। बड़ी सी पूरी जैसी। और तेरा नाम क्या है? तोता पूरी। तोता जैसी मिठू मिठू। चल छोड़ तू तो बहुत झगड़ा करती है। तुझे पता है हम दो ही प्रकार नहीं है मैंगो के? मैंगो के तो बहुत सारे प्रकार है। आपको पता है कितने सारी मैंगो है? बहुत सारी मैंगो होती है। क्या आपको सुननी है मैंगो पे स्टोरी? चटनी जूस और जैम सब में आना मेरा काम। आपको पता है मैं कौन हूँ? मैंगो। यस आप सबको पता है ना सबको मैंगो अच्छी लगती है। मेरी फ्रेंड आएगी केसर केरी।
मेरा तो नाम भी नीलम है और मेरी कैरी का नाम भी नीलम है। मैं नीलम कैरी हूँ। पीला पीला रसीला आम बच्चे खाए सुबह शाम, सबके मन को भाए आम, इसे खाने के लिए छोड़ दे सारे काम। आपने अब आप मैं आपको बताऊंगी कि आम फलों का राजा है। पता है ना क्यों राजा है? क्योंकि वो तो साल में एक ही बार आता है, फिर उसके कई सारे प्रकार हैं। आप सबने देखे थे कौन कौन से आम थे, है ना? तोतापुरी थे, राजापुरी थे, केसर थी, है ना? और फिर उसके बहुत सारे, कभी आपने आम का पेड़ देखा है? हाँ, उसके ऊपर लटकती हुई आम होती है, उसके ऊपर लटकती हुई मैंगो आपने देखी है? मैंगो को तोड़ा है, तो अब हम जानेंगे मैंगो में क्या क्या, मैंगो ट्री में क्या क्या होता है। जैसे हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं ना, वैसे ही अब हम जानेंगे कि मैंगो ट्री के पार्ट्स के बारे में। नाउ मैम आएंगे और आपको मैंगो ट्री के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। How are you all? So, myself Asma Sazin, and today we are gathered here because of we are celebrating National Mango Day. So, kids, do you love mango? आपको पता है मैंगो को फलों का राजा क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसमें मिनरल्स, विटामिन सी, विटामिन डी बहुत सारे प्रमाण में मौजूद है, इसीलिए मैंगो को फलों का राजा कहते हैं। और वो साल में एक ही बार आता है और ऑल पीपल एंजॉय द लॉट, बच्चे बड़े सबको आम बहुत पसंद है ना। सो किड्स, टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन पार्ट्स ऑफ अ ट्री। सो किड्स, डू यू नो वी हैव पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, इन आवर बॉडी सो मेनी पार्ट्स ऑफ द बॉडी। चलो बताओ मुझे पार्ट्स ऑफ द बॉडी बताओ। चलो चलो पार्ट्स ऑफ द बॉडी। Okay, so it's just like we are, mango tree has a different parts. So I'll explain you. I start with the roots. So kids, do you know what is roots? Where is the roots? See here. See, roots, it's inside the ground. कहाँ पे होते हैं roots? जमीन के अंदर। और ये क्या है बच्चों? स्टेम। इसे क्या कहते हैं? टेल मी, स्टेम, व्हाट इज इट? अरे आपको पता है ये स्टेम क्या काम करता है? ये जो ट्री है ना, जो प्लांट है, उसे ऐसा स्ट्रेट खड़ा रखता है, जैसे हम हमारे पैर पे खड़े रहते हैं। ये सुनो, ओके, ये जो ट्री है ना वो स्ट्रेट खड़ा रहता है। और ये आपको दिखाई दे रहा है ये है ब्रांचेस, व्हाट इज इट? स्लोली, ये ब्रांचेस। सो किड्स, डू यू नो ये ब्रांचेस का क्या काम है? हाँ, चलो आई एक्सप्लेन यू। सी, ब्रांचेस जो है वो सारा है न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स और वाटर जो डाउन रूट्स में होते हैं, वो सभी ये लीव्स को पहुंचाते हैं, जो उसका खाना होता है ना। ट्री को खाना कहाँ से मिलता है? रूट्स। और वो
पहुंचाता है उसे का नाम ब्रांचेस. कौन? Yes. और डू यू नो किड्स व्हाट इज इट? लीव्स. ये है लीव्स. ओके. फिर और आपको पता है मैंगो फिर छोटे छोटे फ्लावर आते हैं उसे मोरवा कहते हैं. क्या कहते हैं हम? मोर. और उसे इंग्लिश में कहते हैं मोर. फ्लावर में से फ्लावर ब्लूमिंग होता है यानी कि फूल खिलता है फिर उसमें से मोरवा छोटी छोटी स्मॉल स्मॉल मोरवा होता है फिर ये मैंगो बिग मैंगो बन जाती है ना ग्रीन मैंगो. फिर वो हाँ और फिर वो राइट मैंगो बन जाती है. तो कौन से कलर की बन जाती है? और वो मैंगो कौन से कलर की होती है बच्चों? ग्रीन. यस. सो नाउ आई मेक यू अंडरस्टैंड द बेनिफिट्स ऑफ द मैंगो ट्री. आपका पेड़ बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन का उत्पादन करता है और इस प्रक्रिया के दरमियान वो पर्यावरण में ऑक्सीजन छोड़ता है. और बच्चों आपको पता है आम के पेड़ की जो ये पत्तियां हैं वो भी बहुत फायदा कारक होती है. तो सुनो आम की पत्तियों से मेडिसिन्स बनती है. मेडिसिन्स यानी क्या बच्चों? दवाई है ना. और वो जो दवाई है जो ब्लड प्रेशर एंड डायबिटीज कंट्रोल करती है. और मैंगो ट्री इज ऑल्सो बेनिफिशियल टू रेड्यूस कोलेस्ट्रॉल. ओके. और हम कभी कभी हमारी दादी माँ के नुस्खे भी आजमाते हैं है ना. ओके. तो आम की गुठली आपने आम की गुठली देखी है? आई सो यू. सी व्हाट इज इट? ये है सिर है ना. और बताओ मुझे के आम में कितने सीड होते हैं? Yes, one seed. तो ये है आम की गुठली. तो बच्चों ये भी बहुत लाभदायक. तो बच्चों आपने अभी क्या देखा? सीड है ना. तो आम की गुठली के गिरी का रस नाक में डालने से नाक से खून जो बहता है वो बहना बंद हो जाता है. आम की ताजी पत्तियां गुनगुना करने से कान में जब हम डालते हैं तो कान का दर्द गायब हो जाता है. और बच्चों आपको पता है कि ये आम के पेड़ का जो ये ब्रांचेज है उसका जो गुड़ है उसे हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं? घर पे पूजा करते हैं हम हवन करते हैं ना. तो हम यज्ञ कुंड में हम ये स्ट्रिक का यानी के आम के जो ये गुड़ है उसका हम इस्तेमाल करते हैं. सो इस तरह बच्चों आम का सभी चीजें सभी हमने अभी देखा ब्रांचेस रूट्स लीव्स वो सभी चीज है जो हम किसी ना किसी के लिए फायदेमंद है. हम इसे किसी ना किसी का यूज करते हैं है ना. तो अभी कॉल टू खुशबू मैम टू एक्सप्लेन यू के और मैंगो से क्या क्या बनता है. ओके बच्चों हाउ आर यू ऑल? ओके. व्हाट इज दिस मैंगो? वाओ. सो टुडे इज व्हाट नेशनल मैंगो डे. व्हाट इज टुडे? अच्छा
प्रोडक्ट्स आज हम सीखेंगे, ठीक है? सो रेडी ऑल?
लगा के देती है क्या कहती है मम्मा ब्रेड पर लगा के वेरी गुड लेकिन आप तो वो रेड कलर का जैम खाते हो ना फ्रूट मिक्स जैम है ना लेकिन हम मैंगो से भी सिर्फ मैंगो से भी जैम बना सकते हैं तो जो मैंगो से जैम बनता है उसे क्या बोलेंगे मैंगो जैम और उसके बाद आप सब की फेवरेट बताओ प्रोटीन चलो बोलो बोलो प्रोटीन प्रोटीन प्रेशियस जूसी ओके सो नाउ आई हैव दिस मैंगो ये कौन सा मैंगो है राइप मैंगो बोलो और उसके बाद है रॉ मैंगो क्या है रॉ मैंगो पका नहीं होता खट्टा खट्टा लगता है मीठा नहीं होता है ना और ग्रीन कलर का होता है एंड राइट मैंगो जो होता है वो पका हुआ और मीठा होता है यस ओके तो आज हमने क्या सीखा कि एक मैंगो से हम कितनी सारी आते हैं और एंजॉय करते हैं राइट थैंक यू इंटरेस्ट मजा आ रहा है सबको मैंगो डे पे मुझे तो राजापुरी मुझे तो बहुत मजा आया चल कुछ गाना बजाना हो जाए गाने से पहले मैं ये बात पूछना चाहती हूँ कि नेशनल मैंगो डे इसीलिए मनाया जाता होगा क्योंकि मैंगो के तो कितनी सारी इम्पोर्टेंस है कितने सारे फायदे हैं मैंगो के किसी और फ्रूट के नहीं है इतने फायदे और कितनी सारी फ्लेवर्स अरे बाप रे कितनी सारी केसर मैंगला नीलम दशहरी हाँ फूस और कितने सारे नाम होंगे बाप रे बाप कोई और फ्रूट के इतने सारे टाइप्स होते हैं नो वो मैंगो इज ओनली वन फ्रूट जिसमें बहुत सारी फ्लेवर्स आती हैं बहुत सारे मैंगोस आते हैं उसमें अलग अलग और वो हर देश में मिलते हैं हाँ और ये साल में एक ही बार हाँ साल में एक ही बार और वो भी गर्मी की सीजन में जब बहुत गर्मी लगती है ना पूरे साल हम मैंगो नहीं खरीद सकते हमें सिर्फ समर सीजन में ही मैंगो मिलता है इसीलिए उसे किंग ऑफ फ्रूट्स कहा जाता है क्या कहा जाता है किंग ऑफ फ्रूट्स चलना कुछ गाना बजाना करते हैं अब मैंगो डे है तो डांस तो होगा ही मैंगो पे डांस यस मैंगो पे डांस कौन परफॉर्म करेगा मैंगो पे डांस हमारे जूनियर केजी के स्टूडेंट ओह चलो चलो सीनियर केजी एंड नर्सरी आर यू ऑल एक्साइटेड Vitamins and minerals, there are lots in it. Good for your health, it will keep you fit. Eat it as a salad or drink it as a milkshake. Eat it as an ice cream or have it as a cake. Vitamins and